बेहतरीन क्विज है। तो सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। एक बार बताएंगे क्या पिक्चर और वॉइस क्लियर आ रही है? तो बिल्कुल, अगर पिक्चर और वॉइस क्लियर आ रही है तो बिल्कुल सेशन को हम कंटिन्यू करते हैं। साथ ही साथ आपको पता है ये करंट अफेयर का महत्व क्या होता है और कैसे हम करंट अफेयर को पढ़ते हैं, ये रोजाना हमने आपको बताया है। तो कहीं ना कहीं करंट अफेयर का संबंध डायरेक्टली कोर सब्जेक्ट से आपको देखने को मिलता है। सोर्सेज की अगर हम बात करें, बहुत सारे सोर्सेज है जहां से करंट अफेयर को कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके हम आप तक ये करंट अफेयर पहुंचाते हैं। तो एक बार बताएंगे कि पिक्चर और वॉइस क्लियर होगा? अगर पिक्चर और वॉइस क्लियर है तो बिल्कुल सेशन को कंटिन्यू करेंगे। और आज की ज्ञान की अगर हम बात करें तो ज्ञान भी आज की रहने दे। आज हम जिन मुद्दों पे हम बात करने वाले हैं, यानी जिन टॉपिक्स पे आज हम क्विज करने वाले हैं, वो टॉपिक्स हम सबसे पहले आपको डिस्कस करते हैं। 10 मिनट हमारा डिले हो चुका है, टेक्निकल इशू के कारण ये डिले हुआ। खैर चलिए कोई बात नहीं। एक बार आप बताएंगे कि पिक्चर और वॉइस क्लियर होगी? ओके चलिए, तो जितने लोग हमारे साथ आ रहे हैं सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम सभी ने कहा यस, क्लियर है। ओके चलिए, तो आज हम देखने वाले 163rd इनकम टैक्स डे मनाया गया था अभी हाल ही फिलहाल, इसके ऊपर एक क्विज करेंगे। इसके अलावा हिम तेंदुआ बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा है, इसके ऊपर भी क्विज करेंगे। अगर आपने हमारी थ्योरी क्लास देखी होगी तो आज सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, और अगर थ्योरी क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होने वाला है। इसके अलावा हम यहाँ पे देखने वाले हैं मोनार्क तितली जो सुर्खियों में रहा है, इनके ऊपर भी कुछ क्विज करने वाले हैं। और स्ट्रीट वेंडर्स जो बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहे हैं, इनके ऊपर भी एक क्विज हम यहाँ पे करने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, आज जो क्विज का पात्र है वो है हाल ही में अंटार्कटिका महासागर के स्थानिक प्रजाति अल्बाट्रस को तमिलनाडु में देखा गया, इसके ऊपर भी एक क्विज करने वाले हैं। इसके अलावा MIST पनडुब्बी केबल प्रणाली जो बिछाई जा रही है मुंबई से, तो ये भी, इसके ऊपर भी एक क्विज हम यहाँ करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहाँ पे हम आज देखने वाले हैं डॉक्टर सुशोभन बंध्योपाध्याय का 26 जुलाई 2022 को कोलकाता में निधन हुआ था। ये एकमात्र ऐसे डॉक्टर है भारत के जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में है। और क्यों सबसे ज्यादा मरीज देखने के लिए? क्योंकि 1 रुपए लेकर ये सभी मरीजों को देखते थे। तो बहुत ज्यादा सुर्खियों में थे, ये न्यूज हमसे छूट गया था। कुछ न्यूज़ पुराने हैं, छूट जाने के कारण इनको आज हमने कवर किया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंद्रमीत गिल जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड जो है, अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक के नए जो है मुख्य चीफ इकोनॉमिस्ट ये बनाए जा रहे हैं। तो आगे की बात करते हैं। इसके अलावा ICC वुमेन्स ODI वर्ल्ड कप 2025 की बात करें, बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोर रहा है। और सिर्फ 25 नहीं, 24, 25, 26 एंड 27 भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है। इसके अलावा हम फेबरी कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे करंट अफेयर हम लोगों ने थ्योरी पार्ट में मॉर्निंग को देखा है, तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ और सिर्फ क्विज पे फोकस करेंगे। इसके बारे एक भी एडिशनल डिटेल हम आपको नहीं देंगे क्योंकि समय कम है, सवाल ज़्यादा है, 22 सवाल है। हम होप करेंगे कि 22 ना तो 15 से ऊपर हम कर ले आज, क्योंकि हमने ऑलरेडी 10 मिनट गवा दिया है किसमें। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं नेटवर्क कारण मानव पशु संघर्ष भी हमारा न्यूज का पात्र है, और स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान ये भी हमारा आज के न्यूज का पात्र है। साथ ही साथ आप ये सारा शेड्यूल देख सकते हो कि हम क्लासेस जो आपका है UPPCS प्रेप बाय एग्जामपुर चैनल पे लेते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, सभी टीचर्स के शेड्यूल दिए हुए हैं। यहीं पे हमारा सबसे पहला सुबह 7 बजे क्लास होता है जो करंट अफेयर के पे आधारित है। चलिए आइए पहला सवाल देखते हैं। आई होप आप सभी लोग पहले सवाल के लिए तैयार होंगे। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, दिल थाम के रहिए और इस सवाल का जवाब दीजिए। सवाल है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यानी CBDT की बात कर रहे हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो इनकम टैक्स को रेगुलेट करता है, यानी इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स को रेगुलेट करता है और डायरेक्ट टैक्स को रेगुलेट करता है। इनके संदर्भ में 2-3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है या कौन सा गलत है। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा देश भर में इसके सभी क्षेत्रीय कार्यालय में 24 जुलाई 2022 को 163वां आयकर दिवस मनाया गया। ये सवाल हमारा, ये करंट अफेयर हमारा छूट गया था, तो हमने देखा कि ये कुछ करंट अफेयर अभी भी छूटे हुए हैं, तो उनको भी हमने यहाँ पे कवर किया है आज। तो कुछ पुराने करंट अफेयर और कुछ नए, दोनों का मिक्सअप आपको देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है 24 जुलाई 1860 को ब्रिटिश शासन, यानी जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ, उस रिवॉल्ट में जो नुकसान अंग्रेजों को हुआ था, उस नुकसान को भरपाई करने के लिए कहीं ना कहीं इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था सर जेम्स विल्सन ने। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रहा है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि CBEC का नाम बदलकर CBIC अब कर दिया गया है। जब से GST इंप्लीमेंट हुआ है तब से एक और बॉडी हुआ करता था, टैक्स के लिए 2 बॉडीज है, एक CBDT एक CBEC। CBEC का नाम बदल के CBIC कर दिया गया है। ये तीनों स्टेटमेंट्स आप देख सकते हो और बहुत ही बेहतरीन तीनों स्टेटमेंट्स है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स हमारे सही है, क्योंकि अगर हम बात करें तीनों डिफरेंट स्टेटमेंट्स है, पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। और जितने लोगों ने यहाँ पे डी जवाब दिया है वो बिल्कुल सही जवाब दिया है, बाकी सभी लोग यहाँ पे गलत है। आई होप हम देख पा रहे हैं बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे डी जवाब दिया है। अब इसी पे आधारित एक ऐसा सवाल जो आपके मनोबल को बढ़ाएगा, यानी आपको लगा होगा कि ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा लेंदी सवाल होते हैं जिनमें टाइम भी हमारा ज़्यादा लगता है, तो कहीं ना कहीं हर एक सवाल के साथ हम आपको एक ऐसा सवाल देते हैं जिससे आपका मनोबल बना रहे, और ये वही सवाल है, उसी प्रकार का सवाल है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा देश भर में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालय में 24 जुलाई 2022 को अपना कौन सा आयकर दिवस मनाया गया, और आपके स्क्रीन के ऊपर सारे ऑप्शन रखे हुए हैं। आपको बताना है कि क्या वो 163वां था या फिर 164वां या 65 या 62। देखते हैं इसका राइट आंसर कितने लोग देंगे। चलिए, तो बिल्कुल हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ आंसर देना स्टार्ट हो चुके हैं। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप करंट अफेयर के क्लासेस आप अभी तक नहीं देखे हो तो बिल्कुल 7 बजे हम पर्सनली हम आपको वो करंट अफेयर के क्लासेस लेते हैं, उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। उस क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आपको एक्चुअल करंट अफेयर पता चलेगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह के करंट अफेयर पढ़ना है। तो फिलहाल हम देख सकते हैं, अगर आपने इससे पहले वाले सवाल का जवाब दिया तो इसका भी राइट आंसर दोगे। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया 163, यानी कि जो है इनकम टैक्स डे मनाया गया है अभी हाल ही फिलहाल, यानी कि 24 जुलाई को। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल था, 2 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके ऊपर अगर आप ये पूरा का पूरा, यानी कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम से ये कवर किया गया, ये एक आर्टिकल था जिसको हमने कलेक्ट किया और जितने भी डेटा यहाँ से हो सकते हैं हमने पॉसिबिलिटीज उन सबको रखने की कोशिश की है। ये पूरा का पूरा डेटा अगर आपको पढ़ना है, ये पूरा का पूरा डेटा पढ़ना है तो आप मॉर्निंग वाली क्लास आ जाइएगा, क्योंकि समय की कमी के कारण इन डेटा को हम 2 बार नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वहां सुबह 2 घंटे की क्लास हुई थी जहां हमने आपको हर एक चीज बताया था। सीबीडीटी क्या है, सीबीआईसी क्या है, सीबीईसी क्यों बना, आईसी में कन्वर्ट हुआ, कौन अभी सीबीडीटी के चेयरमैन बने हैं, कौन अभी सीबीआईसी के चेयरमैन बने हैं, पूरा इमेजेस के साथ। चलिए अगले न्यूज की ओर हम मूव करते हैं। आई होप आपने मॉर्निंग की क्लास ली होगी, अगर ली है तो बड़ा अच्छा लगा होगा, नहीं ली हो तो कोई बात नहीं, सेल्फ से यानी खुद से आप पढ़ लेना जब आपको पीडीएफ दिया जाएगा तब। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, सवाल कुछ इस प्रकार से है, जल्दी से देखेंगे और इस पे फोकस करेंगे। मजा आ रहा है तभी तो, ओके। चलिए, तो अगर हम बात करें तो इसका अगला सवाल है कि हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया था। थर्ड नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, पहला ऑप्शन हमारा ये है, ठीक है, कि यहाँ स्टार्ट किया गया, तो भाई पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही कह रहा है। चलो पहला ऑप्शन सही कह रहा है, मतलब कि ये हमें पता चल गया कि सी तो नहीं होगा। आगे देखते हैं, हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा अनकिया है, तो बिल्कुल ये भी बात सही है कि इसका साइंटिफिक नेम जो है आपका पैंथेरा अनकिया है, यानी 2 भी सही है, मतलब कि बी नहीं होगा क्योंकि बी में 2 मिसिंग है। अब आप देख सकते हो या तो ऑप्शन नंबर ए या तो ऑप्शन नंबर डी। अब सारा डिपेंड करता है ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 पे। अगर स्टेटमेंट नंबर 3 हुआ तो डी राइट आंसर होगा, और स्टेटमेंट नंबर 3 अगर गलत हुआ तो ए राइट आंसर होगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, हिम तेंदुआ को IUCN के विश्व संरक्षण प्रजातियों की रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है, बिल्कुल सही बात है, इन्हें रेड लिस्ट में रखा गया क्योंकि ये लुप्त प्राय जीवों में अब आ चुके हैं, यानी जिनकी संख्या अब घटते जा रही है, जो लुप्त के कगार पे आ चुका है। इसके ऊपर हमने बेहतरीन कोई जो है थ्योरी पढ़ाया था आज, और ये बताया था, ये द हिंदू का आर्टिकल आप देख सकते हो, द हिंदू से लिया गया है। इस आर्टिकल को मॉर्निंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्यों ये लुप्त प्राय जीव है, और इससे संबंधित एक हमने PYQs भी देखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखा था, और वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम आपके साथ भी शेयर करना चाहेंगे। तो ये आप कुछ डेटा देख सकते हो जो सुर्खियों में रहा था, द हिंदू के जो है आर्टिकल्स को उठाकर ये न्यूज़ को बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत सारे जो है कह सकते हैं डेटा बेस्ड फैक्ट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो PDF से पढ़ लीजिएगा या मॉर्निंग वाले क्लासेस को अटेंड कीजिएगा। इसी के ऊपर एक PYQs हम देखते हैं। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं जो गत वर्षों में आए हुए हैं। ये सवाल है आपका 2012 यूपीएससी में आया हुआ ये सवाल है। अगर आपने 2012 का पेपर दिया होगा तो आपने इस सवाल को देखा होगा, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आपने लगाया होगा तो इस सवाल को आप देखे होंगे। सवाल को सॉल्व कीजिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, 2012 के अनुसार इसका जो जवाब होगा हम वही यहाँ पे देने वाले हैं। तो यहाँ पहला है ब्लैक नेक क्रेन, चीता, उड़न गिलहरी और हिम तेंदुआ, इनमें से कौन सा स्वाभाविक रूप से भारत में पाए जाते हैं। स्वाभाविक रूप से यानी कि जो प्रायः पाए जाते हैं, और जो वह कौन सा है जो लुप्त हो चुका है। तो यहाँ पे पाए जाते हैं पूछा गया, तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका सही जवाब देंगे। बहुत अच्छा, सबसे पहले आपने दिया, आई एम प्राउड ऑफ यू टू ऑल। हाँ, मेरी क्लास होती है रोजाना, हमारी क्लास 7 बजे होती है, पर इस चैनल पर नहीं होती है। UPPCS प्रेप बाय एग्जामपुर में होता है, यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया होगा, वहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो अगर हम बात करें चीता को छोड़ के बाकी सभी जो है स्वाभाविक रूप से भारत में पाए जाते हैं, क्योंकि चीता जो है अब विलुप्त जो है प्राणियों में आज उस वक्त आ चुका था 2012 की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी था। 1, 3 और 4 इज द राइट आंसर। बाकी इस क्वेश्चन के ऊपर पूरा डिटेल हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है और इसके बारे में भी हमने आपको बताया था, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन किया था कि इस क्वेश्चन में क्यों चीता को रॉन्ग कहा गया है। जब ये स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप पढ़ लोगे पीडीएफ से तो अच्छी है, नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है और ये भी IUCN के ऊपर आधारित एक क्विज है, यानी कि ये करंट अफेयर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो यहाँ पे साफ अक्षरों में लिखा हुआ है मोनार्क तितलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मोनार्क तितलिया को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा जारी रेड लिस्ट में इसे लुप्त प्राय घोषित किया गया है। पहला 5th नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये कह रहा है कि ये जो तितलियां है इन्हें लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया है। शायद हो सकता है इनकी संख्या दिन ब दिन कम हो रही होगी। काश आप लोग इन तितलियों को अगर देखे होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे हो तो भी हम आपको दिखा देंगे कि किन तितली की बात कर रहे हैं। दूसरा यहाँ है, यह डेनोस प्लेक्सीपस तितली की उपप्रजाति है जो पूरे अमेरिका में प्रवास करती है और लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा करती है, यानी ये उड़ते रहती है। इस बीच तो ये दो स्टेटमेंट्स यहाँ दिए हुए हैं और अगर आपने इस न्यूज़ को पढ़ा है तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है, सही है। जब दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है तो राइट आंसर क्या होगा? राइट, एक और है ना यहाँ पे, पिछले दशक में महाद्वीप में उनकी आबादी 23 से 72% की गिरावट आई। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। जब तीनों सही है तो डी इज द राइट आंसर। डी जितने लोगों ने जवाब दिया बिल्कुल सही है। चलिए, इससे पता चलता है कि अगर आपने थ्योरी पार्ट किया है तो कहीं ना कहीं आपको क्विज करने में मजा भी आ रहा होगा। चलिए आइए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है पर उससे पहले IUCN का एक डेटा है। अब आप बोलोगे सर ये तो किसी पेपर में आया नहीं था, बहुत कम पेपर में इस तरह के आर्टिकल्स आते हैं मगर इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रायः देखने को मिलता है। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो भी IUCN से रिलेटेड था। तो अगर आप UPSC की तैयारी करते हो या स्टेट पीसीएस की करते हो तो इस वेबसाइट को अक्सर विजिट करते रहिएगा। कौन से प्राणी को किस रेड लिस्ट में यहाँ पे डाला जा रहा है या नहीं डाला जा रहा है, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ आपको IUCN के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। ये वो तितली की बात कर रहे हैं, मोनार्क तितली, जो कि कहीं ना कहीं लुप्त होने के कगार पे आ चुका है। बहुत सारी तितलियों की प्रजाति होती है, उन्हीं में से एक प्रजाति ये भी है। और इससे संबंधित जो भी करंट अफेयर थे वो सब हमने आज के क्लास में आपको बताया है। साथ ही साथ में आपको ये भी बताया कि IUCN के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां दी है कि इनकी स्थापना 1948 में हुई और साथ ही साथ स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। और ये भी बताया कि कैसे यहाँ कैटेगराइज किया जाता है, IUCN कैसे कैटेगराइज करता है। तो अगर कैटेगराइज करने का एक तरीका है, NE सीरीज से लेकर EX सीरीज के बीच में ही जो है कैटेगरी रखा गया है। यहाँ पे ही जानवरों को या प्रजातियों को रखा जाता है, स्पीसीज को रखा जाता है। जो पूरी तरह से खत्म हो चुका है वो इधर होगा, जिसकी संभावना भी बहुत अच्छी है, जिसके चांसेस अच्छे हैं वो इस कैटेगरी में होगा, ये याद रखिएगा। चलिए, बाकी इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप क्लासेस को फॉलो जरूर कीजिएगा। आइए अगला देखते हैं। इसी के ऊपर एक PYQ भी हमने रखा था। PYQ यानी कि आप देख सकते हैं 2012 में एक और सवाल आया था IUCN के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है। और 2012 का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। यूपीएससी ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चंस पूछता है, किसी एक स्पीसीज के ऊपर नहीं पूछता है। और ये एक बेहतरीन सवाल है और हमें उम्मीद है कि आप इस सवाल का सही जवाब दोगे। चलिए जल्दी से देंगे इसका सही जवाब फास्ट। हाँ, इंडिया में भी दिखती है सीवी साहू, नो डाउट इंडिया में दिखती है ये तितलियां। ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं दिखती है। अगर आपने आज का क्विज देखा होगा तो हमने यहाँ पे साफ अक्षरों में कहा था। अगर इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर ए है। देखो, हम यहाँ पे भी साफ अक्षरों में बताए हैं, लिखवाए भी है कि ये तितलियां भारत में भी देखे जाते हैं। देखो यहाँ पे साफ अक्षरों में लिखा गया है कि ये तितलियां भारत में भी देखे जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप भारत से बाहर रहते हो, आप भी तो भारत में ही रहते हो, हम भी भारत में रहते हो, तो हमने और आपने भी इस तितलियों को देखा होगा। तो नो डाउट इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। चलिए सुनाओ, ये क्यों इसकी संख्या कम हो रही है, ये सारी देखो यहाँ पे वो चीजें बताई जाती है कि क्यों इनकी संख्या में गिरावट हुई। आप देख सकते हो एक भारी गिरावट देखने को मिला है, यानी इसकी पूरी प्रजाति में लगभग 23 से 72% की गिरावट देखने को मिली है। ये क्यों देखने को मिली है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे क्लासेस में की थी। चलिए अगले फैक्ट की ओर बात करते हैं। और अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सवाल है नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स। आप देखे होंगे जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो माथे माथे में सामान लेके बेचते हैं या फिर ठेला तिहाड़ी लगाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। तो स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, पहला स्टेटमेंट है आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने अतिक्रमणकारियों से स्वरोजगार तक विषय पर आयोजित नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया का छठी बैठक संबोधित किया है। सातवां नंबर सवाल आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये कह रहा है कि अभी हाल ही फिलहाल नासवी का जो है 6 समिट हुआ है, यानी छठा बैठक हुआ है। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम अगले फैक्ट को पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा फैक्ट कह रहा है भारत में लगभग 99.48 लाख स्ट्रीट वेंडर्स की पहचान की गई है। अब जरा समझिएगा कि अगर हम बात करें दोनों स्टेटमेंट सही है या एक है, ये आपको बताना है। देखना यह है कि कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं। अगर आपने न्यूज़ को पढ़ा होगा तो आप आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से इसका जवाब देंगे। अगर मॉर्निंग को जब क्लासेस हुई थी हमने साफ साफ कहा था कि 6 बैठक हुआ है, और ये बिल्कुल यहाँ पे सही कह रहा है। यानी सही कह रहा है मतलब कि 1 तो सही होगा। अब अगर 1 सही होगा तो एक बात बताओ, बी तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हुआ क्योंकि बी में यहाँ पे 1 हाइड है, और साथ ही साथ डी भी हाइड हो जाएगा। मतलब अब इससे पता चल रहा है कि ए और सी में एक राइट आंसर है। अब ए और सी में कौन सा राइट आंसर है ये पहचान तभी होगा जब हम अगले स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। और अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत में जो चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स है उनकी संख्या लगभग 99.48 लाख है। ये बिल्कुल गलत है, ये है संख्या 49.48। तो याद रखिएगा 49.48 लाख इस जो है चिन्हित स्ट्रीट वेंडर्स है। अब बोलोगे सर चिन्हित क्या है? जिनको गवर्नमेंट ने चिन्हित कर रखा है कि हाँ इनका काम ही है ये सब लगाना, ये लोग रेगुलर वाले हैं। अब ऐसे तो बहुत सारे हैं, करोड़ों है ऐसे देखा जाए तो, मगर कहीं करोड़ों नहीं तो फिर लाखों में अगर जरूर होंगे, पर कहीं ना कहीं वो चिन्हित की बात कर रहे हैं। चिन्हित जिनको स्पेशली ये कहा गया कि इसका काम ही है जो है स्ट्रीट वेंडर, यानी ये कहने के ठेला वेला लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट हमारा गलत कह रहा है। जब गलत कह रहा है मतलब कि सिर्फ एक सही है, तो राइट आंसर होगा ए। ए इज द राइट आंसर। चलिए क्या लिख रहे हो, क्या आंसर दे? यहाँ पे इतने सारे मैसेज आ रहे हैं, क्या आंसर दे? कौन सा आंसर? तुम्हारा मैसेज ही नहीं दिख रहा है तो आंसर कहाँ से देंगे? अरे भाई टाइगर इंडिया में पाए जाते हैं, तो इसका मतलब कि क्या टाइगर को कि मतलब आप एक टाइगर चिड़ियाघर में देख लिए तो इसका मतलब, या 2-4 टाइगर्स देख लिए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि टाइगर्स लुप्त प्राय प्राणियों में नहीं है। लुप्त प्राय प्राणी का मतलब है उसकी संख्या तेजी से घट रही है। पिछला न्यूज़ हमने आपको करवाया था कि टाइगर्स को भी उन्हीं में रखा गया है। आप देखो उनकी संख्या बहुत कम बची है। पिछला अगर न्यूज़ अगर आप कल का एक बार न्यूज़ पढ़ देखना, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है उसके बारे में। खैर चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है और हमें उम्मीद है कि आप इसे आसानी से सॉल्व करोगे। तो सवाल कुछ इस प्रकार से है, देखेंगे जरा सा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने अतिक्रमणकारियों के स्वरोजगार तक विषय पर आयोजित नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया की कौन सी बैठक संबोधित किया है? छठी, चौथी, तीसरी या दूसरी? हमें उम्मीद है कि आप ये सवाल सही दोगे। चलिए भाई हमने क्या कहा था? वो सवाल 2012 बेस्ड था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ रहे हो। हमने कहा कि वो 2012 के बेस्ड का क्वेश्चन था और इसीलिए हमने जवाब भी 2012 के बेस्ड दिया है। अगर हम जवाब आपको करंट टाइम का देंगे तो होगा क्या कि आप गूगल मारोगे, बोलोगे सर देखो ये गलत बताए। तो इसीलिए हमने वहाँ जवाब करंट अफेयर्स, याद रखिएगा बदलता रहता है। जैसे अगर मान लो आपने देखा कि वर्ल्ड कप जो है इंग्लैंड ने जीता और हो सकता है इंडिया इस साल जीत ले, और आपको क्वेश्चन आए पहले वाला वर्ल्ड कप और आप वहाँ इंडिया ऑप्शन मार दे, तो वो तो गलत है ना। कहीं ना कहीं आपको पीवाईक्यूज उसी के आधार पर आएंगे, नए वहां पे कंटेंट होंगे, नए ऑप्शंस होंगे। अगर नए ऑप्शन देखा जाए तो चारों में से कोई सही नहीं होगा क्योंकि चारों में से सब में कहीं ना कहीं आप देखोगे कुछ ना कुछ गलतियां निकलेगी। चलिए सर आज की क्लास दिख नहीं रही है आपकी सुबह वाली, कैसे नहीं दिख रही है मेरे दोस्त? दिखना तो चाहिए यार। तो अगर हम बात करें ये 6 था, 6 यानी ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। प्रियंकेश सिन्हा मॉर्निंग की क्लासेस देखना चाहिए आप। UPPCS प्रेप बाय एग्जामपुर सर्च करो, शायद आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सारी क्लासेस वहीं है। और नहीं तो आप मेन चैनल एग्जामपुर पे जाना, एग्जामपुर के मेन चैनल में चैनल वाले टैब में 4th कॉलम में वो सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। मेन एग्जामपुर का जो चैनल है ना, वहां पे चैनल टैब में जाके भी आप वहां सर्च कर सकते, वहां से जा सकते हो अगर आपको सर्च नहीं हो रहा है तो, क्योंकि चैनल अभी नहीं है। अभी 10,000 सब्सक्राइबर हुए, अभी कुछ ही दिन तो हुआ है, 2-3 दिन से क्लासेस स्टार्ट हुई है। दूसरा दिन था कल, रेगुलर क्लासेस 2 दिन से स्टार्ट हुई, 10,000 सब्सक्राइबर लगभग हो चले उसमें। तो अब इसके ऊपर आप देख सकते हो, ये जो हमने PIB का एक न्यूज कटलेट लिया था और इसके ऊपर हमने बहुत अच्छे से कम 10 से 15 मिनट इस न्यूज को हमने आपके साथ डिस्कस किया कि क्यों इनके ऊपर जो समस्या आती है, इनके साथ जो प्रॉब्लम्स फेस होते हैं, वो सारा चीज एक एक चीज बारीकी से हमने आपको बताया था। किन किन चीजों को सरकार को देखना चाहिए, किन किन चीजों पे सरकार को वर्क करना चाहिए, इनको कानूनी, देखो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे कि स्ट्रीट वेंडर्स को राइट्स जो दिए गए हैं वो फंडामेंटल राइट्स में कौन से राइट्स है। तो आर्टिकल 19(1) जी क्या कहता है कि इंडिया में जितने सारे लोग हैं उन्हें कोई भी बिजनेस करने का राइट्स है। तो उसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स को भी तो राइट है सब्जी बेचने का, फल बेचने का। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ हमने ये पूरे फैक्ट को समझाया था, गवर्नमेंट क्या कर रही है इन लोगों के लिए, ये भी सारी बातें हमने आपके साथ शेयर किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए आप वो नई चैनल है, आपको नोटिफिकेशन ऑन करना होगा। अभी 2-5 दिन अभी हो सकता है डिले होगा, लेट होगा, आपको नहीं दिखेगा चैनल। आपको चैनल विजिट करना है तो अगर नहीं सर्च कर पा रहे हो तो एग्जामपुर चैनल जो है मेन चैनल पे जाइए, चैनल वाले टैब में जाइएगा। चैनल वाले टैब में वहाँ पे सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल, आप उस जगह से डायरेक्टली चैनल में इंटर कर सकते हैं अगर आपको सर्च करने से नहीं आ रहा है। बाकी यूपीपीसीएस प्रेप बाय एग्जामपुर डालने से आ जाना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो उस कंडीशन में आप उस प्रोसेस को यूज कीजिएगा। अच्छे खासे स्टूडेंट होते हैं, 500, 1000, कल वाले वीडियोज में 1000 व्यूज गए, नए चैनल है फिर भी 1000 व्यूज। यहाँ 5 लाख स्टूडेंट है तो वीडियोज 1000 जाने में रो देता है, और वहाँ पे सोचो वो नया चैनल है और जहाँ मुश्किल से अभी 10,000 सब्सक्राइबर होंगे और वहाँ पे 1000 से ऊपर जा रहे व्यूज, कहीं ना कहीं रिस्पांस अच्छा आ रहा है उधर। तो बाकी आप लोग दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल को भी उस चैनल को भी, ठीक है। दोनों जगह हमारी क्लासेस होती है। तो अल्बाट्रस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये एक पंछी है जो एक एंगल से आपको कोयल लगेगा, एक एंगल से आपको कबूतर की तरह दिखेगा और एक एंगल से आपको कौवे की तरह दिखेगा। फिलहाल इसके ऊपर सवाल देखते हैं। मेरी क्लास भी होगी, आप पास्ट क्लासेस में जाइए, पास्ट क्लास वीडियोस में मत देखिए, अभी तुरंत अपलोड नहीं होगा वो, वीडियोस में नहीं, आप पास्ट क्लासेस में देखिए, ठीक है, ठीक है। बाकी हम आपको दिखा भी देंगे क्लास के बाद, ठीक है। आज कम क्वेश्चन करवा के, क्योंकि कल हम इसको कवर कर लेंगे, 12-15 तो जरूर करवाएंगे क्वेश्चन। हाल ही में अंटार्कटिक महासागर की स्थानिक प्रजाति अल्बाट्रस को मुंबई में देखा गया है। तो भाई ये एक ऐसा पक्षी है, पहले उस पक्षी को भी हम आपको दिखाएंगे कि कौन सी पक्षी की बात करें। देखो आपको प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं, यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ लिखा लिखा है, आपको वो चीज़ें को जीने का एहसास दिलाते हैं कि जो न्यूज़ आपको पढ़ाया जा रहा है वो न्यूज़ किसके ऊपर आधारित है, कौन से पेपर से लिया गया है। दूसरा है लाइट मेंटल्ड अल्बाट्रस का वैज्ञानिक नाम फोबेट्रिया पल्फब्रेड है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब जरा देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो पहला फैक्ट जो क्या कह रहा है, पहला फैक्ट कह रहा है ये मुंबई में देखा गया। भाई मुंबई में तो ये देखा ही नहीं गया है। सबसे पहले अगर आप बात करें मन्नार की खाड़ी में देखा गया। अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, इंडिया का मैप में ये वाला जो हिस्सा है, अगर हम बात करें यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इस जगह पे, इस जगह देखा गया। रामेश्वरम से लगभग 5000 किलोमीटर की दूरी में देखा गया है। तो ये तो मुंबई वाला एरिया है नहीं, मुंबई का एरिया तो ये वाला है, तो यहाँ तो देखा ही नहीं गया। तो यानी पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हुआ। अगर हाँ तमिलनाडु होता तो सही हो जाता, तमिलनाडु लिखा होता तो सही होता, पर तमिलनाडु तो लिखा ही नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट की बात करें, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब दूसरा स्टेटमेंट सही है तो बी इज द राइट आंसर। जितने लोगों ने 9 का राइट आंसर बी दिया है वो सही है, बाकी सभी लोग यहाँ पे गलत है। ओके, क्लास के लास्ट में हम आपको ओपन करके दिखा देंगे कि किस चैनल पे हमारी क्लासेस हुई थी, ठीक है। अब इसी के ऊपर एक आसान सा सवाल है जो कहीं ना कहीं आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देगा और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आएगा, यानी जो कॉन्फिडेंस आप खो देते हो इससे पहले वाले सवाल में। सवाल कुछ इस प्रकार से, जरा ध्यान दीजिएगा सवाल को। सवाल है आपका, हाल ही में अंटार्कटिका महासागर की स्थानिक प्रजाति अल्बाट्रस को भारत में कहाँ देखा गया है। ये इजी बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं, यानी हल्के वाले सवाल इसी को कहते हैं, यानी हलवा वाला सवाल। आप जो क्वेश्चंस करते हो वो थोड़े लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं, यानी जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड होता है। फिलहाल हम देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, तो बिल्कुल अगर हम देखें, मिल गई क्लास ना। तो अगर हम बात करें यहाँ तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमालय या पश्चिम बंगाल, तो ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ पे महाराष्ट्र कुछ लोग दे रहे। भाई महाराष्ट्र वाले कौन है, महाराष्ट्र क्यों दे रहे हो यार? SN अमन रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र से क्या है। चलिए, तो ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे तमिलनाडु ही लोगों का आंसर है, और तमिलनाडु जितने लोगों का आंसर है वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बाकी कुछ लोग गलत है। अब इस न्यूज को देखो कैसे कवर किए। पहले इस न्यूज के बारे में बताया कि ये द टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल था जहां से इस न्यूज को उठाया गया। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि भाई ये पक्षी ऐसा कौन सा है, कौन सा तुर्रम खान पक्षी है जो कि इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि न्यूज पेपर में आ गया, इतने बड़े पेपर कटलेट में इसका फोटो के साथ आया। भाई ये तुर्रम खान नहीं है, ये पक्षी एकमात्र ऐसा पक्षी है जो इस रीजन का है ही नहीं, ये इस रीजन का है ही नहीं है, ये अंटार्कटिक रीजन का है और अंटार्कटिक रीजन का पक्षी इधर आ गया। अब जैसे मान लो उगांडा का आदमी आजकल जो है आपके घर के अगल बगल घूमने लगे तो आपको लगेगा जरूर कुछ लगता है विदेशी हमला होने वाला है, आपके मन में ख्याल आएगा ना। मान लो कोई उगांडा का भयानक आदमी या कोई ब्रिटेन का गोरा गोरा एकदम आदमी अगर आपके एरिया में घूमने लगे तो थोड़ा मन में सटक आ जाएगा, ये गांव देहात में क्या कर रहा है। शहरों में हो तो समझ में आता है, गांव देहात में क्या कर रहा है यार, इसका यहाँ क्या काम है, जरूर कुछ गड़बड़ चल रहा है, दाल में कुछ काला, आप उसके पीछे पड़ जाओगे, है कि नहीं। तो यहाँ भी अगर हम बात करें ये पक्षी इस जोन का था ही नहीं, एशिया में पहली बार देखा गया, पूरे एशिया में पहली बार देखा गया और भारत में भी पहली बार देखा गया और इसी कारण से ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा, हर एक न्यूज चैनल ने किया। आप देखो एक तरफ से इसे देखो ये बैठा हुआ लग रहा है कबूतर है, उड़ते हुए आप देखोगे तो अलग लगेगा, इधर से आप देखोगे तो आपको लगेगा ये कोई कौवा होगा, थोड़ा गोरा वाला कौवा, यानी एक काला, कौवे तो ऐसे काले होते हैं पर कौवा का थोड़ा एडवांस वर्जन यानी गोरा वाला कौवा होगा, ऐसा लगने दिखने में लगता है ना। थोड़ा सा चोंच देखोगे तो थोड़ा अलग वाला फीलिंग आएगा, कुछ लंबे चोंच वाले पक्षी की तरह नजर आएगा। तो ये थोड़ा यूनिक पक्षी है और इसकी खासियत क्या है कि ये घूमते उड़ते रहता है, ये बहुत कम बैठता है, यानी कि जमीन में बहुत कम आप इसको बैठते देखोगे, ये जाता उड़ते हुए आपको ये नजर आएगा। तो अपने आप में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर जितने सारे सवाल बनते हैं वो सारे हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये पक्षी क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसे और किस नाम से बुलाते हैं, IUCN ने इसे किस लिस्ट में रखा है, तो निकट संकट ग्रस्त लिस्ट में इसे रखा है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि IUCN से रिलेटेड क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि आते हैं जो न्यूज में जो भी जो कहीं ना कहीं न्यूज में जो भी स्पाइसेस रहते हैं। क्लियर है यहाँ पे, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, सवाल को पढ़ेंगे जरा, देखते हैं क्या क्या कमेंट लिखे हैं। उड़ते उड़ते आ गया, हाँ ऐसा ही सब लोग सोच रहे हैं। अब ये भी तो हो सकता है कि उड़ते उड़ते आ गया, नए घर की तलाश में आया होगा, यानी वो हिंद महासागर में अपने नए घर की तलाश में आया होगा। हो सकता है जो पुराने घर, क्योंकि आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा था, उसमें जो उसके बाद जब आर्यंस आए थे तो वो भी तो कहा जाता है खाना बदोश लोग थे, घूमते फिरते आ गए थे खाना की तलाश में। तो ये भी तो हो सकता है एक नई शुरुआत भी हो। चलिए तो बिल्कुल अगर हम देखिए किसने देखा सर, हाँ हमारे चाचा के ताऊ ने देखा था, रानू गुप्ता, ठीक है, बुलाएंगे तुमको एक दिन क्लास में मिलवाएंगे, हमारे ताऊ जी है बहुत बड़े आदमी है, ठीक है, उसने देखा था। किसने देखा है सर, मतलब यार तुम यार कोई सेंस से तो हमें नहीं लगता है तुम एक यूपीएससी स्टूडेंट की तरह क्वेश्चन पूछ रहे हो, ये ऐसा क्वेश्चन तो ग्रुप डी वाला ना पूछे। चलिए मिस्ट यानी कि म्यांमार मलेशिया भारत सिंगापुर ट्रांजिट पनडुब्बी केबल प्रणाली के संबंध में आपसे सवाल पूछा गया है। यह मुंबई में स्थापित होने वाले 10वें ऑप्टिकल फाइबर केबल सिस्टम होगा और 2023 में सेवा के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है, यानी 2023 से जो है ये स्टार्ट हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे, ठीक है। आगे की बात करते हैं, यहाँ पे यह चेन्नई से होते हुए उड़ीसा से सिंगापुर को जोड़ने वाली समुद्र से के नीचे 8,100 किलोमीटर लंबा ट्रांसनेशनल फाइबर ऑप्टिकल केबल सिस्टम है। अब सबसे पहला एक फैक्ट समझिएगा कि भाई यहाँ मुंबई की बात कर रहा है, यहाँ चेन्नई की बात कर रहा है, यहाँ उड़ीसा की बात कर रहा है, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है कि नहीं, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, होना भी चाहिए। चलिए ठीक है, देखते आगे। चलिए कोई बात नहीं, देखते पहले यहाँ पे चीजों को समझते हैं। अब चीजों को जब समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये केबल जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं इन्हें बिछाया जा रहा है, तो इसे मुंबई से बिछाया तो जा रहा है मगर ये मुंबई का 10वां केबल नहीं, ये 17वां केबल होगा, यानी 16 केबल पहले इससे पहले लग चुकी है और जो कहीं ना कहीं काम कर रही है, वर्किंग में है। तो ये 17वां ऑप्टिकल फाइबर केबल होगा जो मुंबई से एक नया रूट स्टार्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। जब पहला स्टेटमेंट गलत हुआ तो बी और सी तो गए, अब ए और डी में राइट आंसर के चांसेस है। दूसरा कह रहा है कि यह चेन्नई से होते हुए उड़ीसा, अब अगर चेन्नई से होते हुए उड़ीसा करेंगे तो मतलब ये यहां से फिर यहां आएगा, फिर यहां से ऐसे जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो तो ये कहीं ना कहीं फिर इस तरह ही जाएगा ना। तो यार ये थोड़ा सा आपको अटपटा नहीं लग रहा मैप? तो आपको बता दें कि जब हमने देखा कि मुंबई सही है तो ये मुंबई से होते हुए ऐसे जाएगा और चेन्नई का भी एक रूट इसी में आके ऐड होगा और देन फिर ये केबल आगे की ओर बढ़ेगा, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, गलत है। जब दोनों स्टेटमेंट गलत है तो डी इज द राइट आंसर, ना तो ए ना तो बी। बोलो क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ पे, डी इज द राइट आंसर, यानी कि जितने लोगों ने डी जवाब दिया वो सही जवाब दिया। अब आपको एक मैप में भी दिखाएंगे कि ये कैसे किस रूट को फॉलो कर रहा है। फिलहाल एक ईजी सवाल आपके सभी के लिए है। सवाल है, हाल ही में पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय विनियमन क्षेत्र के अनुमोदन के लिए किस पनडुब्बी केबल प्रणाली की सिफारिश की है? तो बिल्कुल आपको यहाँ पे बताना है। राइट आंसर क्या होगा? मिस्ट म्यांमार, मलेशिया भारत सिंगापुर ट्रांजिट, बिस्ट भारत सिंगापुर ट्रांजिट, ईस्ट इंडिया सिंगापुर ट्रांजिट, इनमें से कोई नहीं। 12वां नंबर सवाल है और सभी लोग इसका सही जवाब दे देंगे। चलिए फास्ट जवाब देंगे। क्लास स्टार्ट हुए आधे घंटे से ऊपर हो गया मेरे दोस्त, आधा घंटा हो गया। तो लगभग 12वां सवाल हम कर रहे हैं, 22 सवाल आज है हमारे, यानी कि इसके अलावा और 10 सवाल अभी और है। देखते हैं इसका राइट आंसर आप कितने लोग दे पाते हैं। तो अगर हम बात करें इसका राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए, जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए कहा है, चलिए तो बिल्कुल अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो देख सकते हैं, एक बात समझिएगा, क्वेश्चंस के जो है यहाँ पे बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं, और आप जब बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो उनको एक साथ दोनों यानी हिंदी इंग्लिश कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, यानी या तो एक सेपरेट में हिंदी होगा एक सेपरेट में इंग्लिश होगा। अब इस न्यूज़ को देखो, यहाँ द हिंदू ने कवर किया, आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा द हिंदू का एक आर्टिकल है जहाँ साफ अक्षर में लिखा हुआ है कि ये कॉरिडोर, ये जो सबमरीन केबल सिस्टम जो मुंबई चेन्नई से स्टार्ट होगी ये जाएगी। अब देखो ये केबल कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख सकते हो इस तरह का केबल होता है, ये अंडर सबमरीन केबल होता है जो है भारत से जो निकलेगा और वो दूसरे देशों को जोड़ेगा। कौन कौन से देशों को जोड़ेगा? तो आप आपस में देख सकते हो ये मुंबई से एक निकला है और एक केबल आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे हमने एक मैप के द्वारा ये सारी चीजें आज के क्लास में बताई थी। ये मुंबई से इधर से आया एक केबल और ये इधर चेन्नई से आया एक केबल और यहाँ पे ये मिला और फिर ये केबल आगे कंटिन्यू हुआ और फिर इसका एक ब्रांच चला गया कहाँ? म्यांमार, ये म्यांमार को जोड़ा। फिर ये आगे बढ़ा, एक इसका ब्रांच कहाँ चला गया? थाईलैंड, और आगे बढ़ा ये एक ब्रांच मलेशिया और लास्ट में सिंगापुर। और इस तरह ये मुंबई यानी भारत और सिंगापुर को जोड़ने वाला मिस्ट, ये जो है मिस्ट की बात करें यहाँ पे, ये मिस्ट जो है इसका नाम इसी कारण से दिया गया। आई होप यहाँ तक समझ रहे होंगे। चलिए चलिए, कुछ लोग पूछ रहे थे इसीलिए हमने आपको बता दिया, कुछ लोग पूछ रहे थे इसीलिए हम डिटेल तो हम सुबह बताए थे। बाकी इस क्वेश्चंस को आप यहाँ पे देख लीजिएगा, इसके बारे में एडिशनल डिटेल अगर आपको चाहिए तो देख लीजिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर जब डिटेल सुबह बता दिए तो अब इसको मत बोलिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है, बहुत ही प्यारा सवाल है। उत्कर्ष गल ने कहा सर जब डिटेल मॉर्निंग में बताइए तो प्लीज़ क्वेश्चन कराइए, नहीं तो फिर रह जाएंगे। हाँ ये बात तो है। कौन कौन से टीचर का नाम ले रहे हैं पता नहीं, चलिए हमें पता नहीं कौन से टीचर। पद्मश्री डॉक्टर सुशोभन बंध्योपाध्याय, कहीं कहीं यहाँ पे जो है बनर्जी या जो है और भी कुछ सब टाइटल्स कहीं कहीं दिखता है, ये याद रखिए ठीक है। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। डॉक्टर सुशोभन पिछले 57 वर्षों से पश्चिम बंगाल के बोलपुर में 5 रुपए फीस लेकर गरीबों का इलाज कर रहे हैं, यानी कि ये 5 रुपए फीस लेते थे और गरीबों का इलाज करते थे। पहला स्टेटमेंट है, अगर आप ध्यान से सुने होंगे जब हम ये न्यूज़ बता रहे थे तो हमने वहाँ आंसर इसका बताया था, मगर आपने अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें होने वाली है। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पे। दूसरा स्टेटमेंट है, वर्ष 2020 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, चलिए कोई बात नहीं है। तीसरा है यहाँ पे, सबसे अधिक रोगियों का इलाज करने के लिए इसे वर्ष उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, यानी सबसे ज्यादा मरीजों को इन्होंने देखा है। अब यहाँ पे क्या है गलती, चलिए ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ गलती क्या है तो सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। जब पहला स्टेटमेंट देखेंगे तो पहले स्टेटमेंट में हमें गलती निकल रहा है। गलती क्या मिल रहा है कि ये जो 5 रुपए यहाँ पे कहा जा रहा है, ये 5 रुपए नहीं लेते थे, ये 1 रुपए लेते थे, 1 रुपए देखते थे, यानी 1 रुपए लेके ये इलाज करते थे। हमें पता चल गया कि पहला ऑप्शन हमारा गलत है। जैसे ही पहला ऑप्शन गलत है, अब हमने एलिमिनेशन तरीका बताया था, यानी हमें पता है कि पहला गलत है, अब देखो एलिमिनेट, दूसरा तीसरा नहीं भी पढ़ोगे तो भी आंसर निकल जाएगा। देखते हैं कैसे। देखो हमें पता है एक नहीं होगा, अब देखो यहाँ एक है मतलब ये भी गयो, यहाँ भी एक है ये भी गयो, और यहाँ भी एक है ये भी गयो। देखो हमने आंसर आगे पढ़ा भी नहीं और हम आंसर मार दिए। तो इसे कहते हैं कि स्मार्ट अप्रोच। अगर आप इस तरह के अप्रोच को फॉलो करोगे एग्जाम में तो यकीन मानो कि आप बहुत सारे स्टेटमेंट को नहीं भी पता होगा तो भी आप सही जवाब दे सकते हो। बोलो एग्री करते हो यस और नो, एग्री करते हो यस और नो। चलिए तो आपने देखा यहाँ पे देखा इस क्वेश्चंस को देखा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट को हमने सॉल्व किया और बाकी जो है सारे ऑटोमेटिकली हमारा कवर हो गया, यानी सेकंड और थर्ड नहीं भी पता होता तो भी आप इसका सही जवाब दे सकते थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इसी के ऊपर आधारित एक आसान सवाल है, हम सोचे 400% लाभ लेने लगे क्या। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर है और बहुत ही प्यारा सा सवाल है, यकीन मानो बड़ा मजा आने वाला है सवाल को देख के, ठीक है। सवाल क्या है हमारा जरा देखेंगे तो सवाल हमारा यह है कि गरीबों के मसीहा पद्मश्री डॉक्टर सुशोभन बंध्योपाध्याय का 26 जुलाई 2022 को कोलकाता में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? क्या वो एक कलाकार थे? क्या वो एक चिकित्सक थे? क्या वो एक संगीतकार थे? क्या वो एक समाज सेवक थे? ओके नाउ आज जो है हम पंद्रह सवाल तक आज करेंगे, इसके बाद एक और सवाल करेंगे, उसके बाद फिर हम कल बाकी जो है रिमेनिंग ऐड कर देंगे, ठीक है? ओके, टेंशन ना लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? चिकित्सक। सी जितने लोगों ने जवाब दिया वो सब सही है। एलिमिनेशन मेथड हम भी सीख रहे हैं सर। अरे सीख लिए क्या? सीखे क्या? आप कितना सीखोगे? अब तो सीख रहे हो, तुम सीख गए होंगे। ये कहना गलत है कि सीख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर सी होगा, चिकित्सक इज द राइट आंसर। अब ये न्यूज आप देख सकते हो, ये न्यूज जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने अपने आर्टिकल में पब्लिश किया। ये वो शख्स है जो आप देख सकते हैं जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में है, साथ ही साथ इनको पद्मश्री अवार्ड भी, पद्म अवार्ड भी दिया जा रहा है। अगर हम इनकी बात करें तो इनके बारे में पूरा डिटेल यहाँ पे है, किस तरह के सवाल यहाँ पे आ सकते हैं। और इसके ऊपर एक और डेटा हमने दिया है, ये राजनीति से भी सक्रिय थे। अगर यहाँ पे अगर राजनीति होता तो ऑप्शन गलत हो जाता, क्योंकि राजनीति में भी ये सक्रिय इंसान थे। सक्रिय थे कि मतलब क्या कि ये जो है विधायक भी रह चुके हैं और तो और जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो अगर ऑप्शन में राजनीति होता तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ कन्फ्यूज कर देता कि सही क्या होगा। ऐसे कंडीशन में अगर मान लो कि राजनीति भी लिखा होता और चिकित्सक भी लिखा होता तो आप पहला प्रायोरिटी किसे देते? कि डॉक्टर को देते या पॉलिटिशियन को देते? किसको देते? अगर इसी सवाल को अगर एग्जाम पूछ देता और अगर यहाँ डॉक्टर और पॉलिटिशियन दोनों ही रहता तो आप पहला प्रायोरिटी किसको देते? अगर आप पहला प्रायोरिटी अगर पॉलिटिशियन को देते तो आप गलत हो जाते। क्यों? क्योंकि इनको विशेषकर जाना जाता है इनके चिकित्सा के लिए। इनको अवार्ड भी दिया गया है चिकित्सा के लिए। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में चिकित्सा के लिए, जबकि दोनों ही ऑप्शन सही होता। समझिएगा, ऐसे बहुत बार क्वेश्चन हुए एग्जाम में, तो दोनों ही ऑप्शन सही है, पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन सेट करने के दौरान जो भी क्वेश्चन सेट करता होगा उसके माइंड से ये लाइन स्किप होगा, तभी वो इस तरह की गलतियां करेगा। तो ऐसे गलतियां बहुत बार आप देखे भी होंगे। तो ऐसे सीजन में भी, सिचुएशन में भी आपको डॉक्टर यानी कि ही आपको पहला प्रायोरिटी देना होगा। तो चीज़ों को सॉल्व करना सीखना सबसे बड़ी बात होती है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, यानी ये लास्ट क्वेश्चन है, और देन उसके बाद हम कुछ चीज़ें दिखाएंगे। हम आपको वो चैनल भी दिखाएंगे जिस चैनल की बात कर रहे हैं, करंट अफेयर होता है। विश्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ दो स्टेटमेंट दिए गए हैं वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड। 15 नंबर क्वेश्चन है और आपको इसका राइट आंसर देना। चलिए, तो बहुत ही प्यारा सा सवाल है। पीडीएफ डेली का, अच्छा कोई ऐसा बंदा है जिसको पीडीएफ नहीं मिला है? रोजाना पीडीएफ मिला है यार, आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं है जो बोले कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिला है। पूरा जून मंथ का पीडीएफ रखा हुआ है, पूरा जुलाई का पड़ा हुआ है। हम आपको दिखाएंगे, वेट कीजिए, सब बताएंगे, एक एक करके वेट कीजिए। आज हम 5 मिनट, जब लेट से आए हैं तो 5 मिनट पहले ही छोड़ेंगे और सारी जानकारी आपको अच्छे से देंगे, ठीक है? इस सवाल के बाद तो देखो, हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री घोषित किया गया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही बात कह रहा है। भारतीय अर्थशास्त्री इंद्रमीत गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री घोषित किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। 15 नंबर का पहला अगर हम बात करें तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? वह विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाले पहले भारतीय होंगे। भैया एक बात बताओ, अगर ये पहले कैसे होंगे? सुबह की क्लास में हमने आपको बताया था कि इनसे पहले भी एक शख्स थे जिनका नाम कौशिक बसु था। क्या नाम था? कौशिक बसु था। कौशिक बसु था जो इनसे पहले भी यहाँ पे ये पोस्ट ले चुके हैं। तो जब ले चुके हैं तो यानी ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो जाएगा, पहला तो होगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का जितने लोगों ने ए जवाब दिया वो बिल्कुल सही है। चलिए, तो इसका जितने लोगों ने ए जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। अब इस न्यूज को आप देख सकते हैं, इस न्यूज को आप देख सकते हैं एक आसान न्यूज के साथ, और इसके बाद ये लास्ट होगा क्योंकि इनकी इसी न्यूज के साथ ये जुड़ा हुआ न्यूज था, इसीलिए हमने ये न्यूज को भी करवा दिया, ठीक है? तो हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री घोषित किया गया है? कारमेन रेनहार्ट, इंद्रमीत गिल, कौशिक बसु या मनमोहन सिंह? हमें उम्मीद है 16 नंबर सवाल आपका एक पॉजिटिव सवाल होना चाहिए और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागना चाहिए। चलिए जल्दी से इसका राइट आंसर देंगे जितने लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। देखो इंद्रमीत सिंह, ये राइट आंसर होगा, ये इनके जगह पे आएंगे, ये इनके जगह पे आएंगे। यानी अभी जो है कारमेन रेनहार्ट ये यूएसए का है, ये अभी एट प्रेजेंट जो है वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट है। इनसे पहले ये सेकंड नंबर के भारतीय है, इनसे पहले जो है फर्स्ट भारतीय कौशिक बसु रह चुके हैं ऑलरेडी इस पोस्ट में। तो 3-3 सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रहे और तीनों ही हमने यहाँ क्लियर किया। जितने लोगों ने सी जवाब दिया वो सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईटी नाउ से ये आर्टिकल लिया गया है और ये जो है वो शख्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं और पूरा इनके बारे में डिटेल जो आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आज की क्लास की अगर हम बात करें, आज की जो क्लास हुई हमारी, ठीक है, जो हमारी कल की क्लास हुई थी, यानी आज हमने कितने क्वेश्चंस किए? 16 क्वेश्चंस किए ना। तो 16 क्वेश्चंस में जैसे कि हम बात करें, कल की बात करें, कल हम लोग 19 क्वेश्चन किए थे। कल कितना किए थे? 19, थोड़ा सा आ जाओ, हाँ, कल 19 क्वेश्चंस किए थे। और आप देख सकते हो 19 सवाल में से साक्षी ने कहा था कि हमारा 18 सही हुआ है। तो आप भी क्लास खत्म होने के बाद इसी तरह कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, आज हमने 16 सवाल किए हैं, तो 16 सवाल में आपके कितने सवाल सही हुए हैं, जरूर इसी तरह लिखिएगा। जैसे साक्षी ने कहा हमारे कल 19 में से 18 सही हुए। उत्कर्ष गर्ल ने कहा था कि सर हमने 19 में 18 सही किए हैं। शैलजा देवी ने कहा था सर 19 में 16 सही हुआ है। पूनम गौतम ने कहा था कि सर हमारा जो है 19 में 18 सही हुआ है। रेशमा खान ने भी यही कहा था कि सर हमने 10 अटेम्प्ट किया और 10 के 10 सही हुए, यानी कि शायद ये लेट सही होगी या कुछ कारण रहा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है रिया सैगिल कहती है सर हमने 19 सवाल अटेम्प्ट किए और इसमें 14 सही हुए। राज कुछ नहीं कह रहे हैं। उसके अलावा सबनम शेख क्या कह रहे हैं कि 19 में से 14 सही हुए। सागर सिंह कहते हैं कि सर 18 जो है हमारे सही हुए 19 में से। और राज साकिया नीचे लिखते हैं कि 19 में से 15 हमारे सही हुए। तो ये वो लोगों के नाम है जो कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में अपने बारे में लिखे थे। हम सेकंड हाफ तक देखते हैं और उसके बाद सभी का स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे आपको दिखाते हैं, जिससे आपका भी मनोबल बढ़े। तो ये उन लोगों के लिए, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू टू ऑल, जितने लोग यहाँ थे आप भी अच्छा कर रहे हो। आपको भी अगर मेरी क्लासेस से इंप्रूवमेंट हो रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स पर लिखिए। इतनी गारंटी कि 50% इंप्रूवमेंट सभी का होता है पहले दिन से। साथ ही साथ अगर आप पीडीएफ चाहिए तो आप एग्जामपुर ऐप डाउनलोड कीजिए। जब एग्जामपुर ऐप डाउनलोड करके लॉगिन करोगे तो पहला पेज ये आएगा। इसके बाद आपको जाना है फ्री कोर्सेस में। फ्री कोर्सेस में जैसे ही क्लिक करोगे आपका ये पेज खुलेगा। आपको आईएएस यूपीपीसीएस वाला जो पहला फोल्डर होगा इसे क्लिक करना, यानी व्यू डिटेल में क्लिक करना। व्यू डिटेल क्लिक करने के साथ ही बहुत सारे टीचर के आइकन खुल के आएंगे। यहीं पे लिखा है करंट अफेयर बाय राजीव सर। करंट अफेयर बाय राजीव सर आप देखो इस कॉर्नर पे यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो करंट अफेयर बाय राजीव सर में क्लिक करना है आपको। मंथ वाइज यानी कि करंट अफेयर आपको शो करना स्टार्ट हो जाएगा। और यहां से आप जिस मंथ का करना है स्क्रॉल करके ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। कभी कभी ऊपर कभी कभी नीचे आपका मेंशन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो है यूपीपीसीएस जो है प्रेप बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल का पूरा शेड्यूल है। यही हम आपको करंट अफेयर मिलेंगे सुबह पढ़ाते हुए। तो ये करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ये करंट अफेयर देख लिए हो तो यकीन मानो 100% आप सही जवाब दोगे शाम के क्लास में। और अगर आपने ये क्लास मिस किया है तो यकीन मानो आप बहुत ही गंदा आपको फील होगा। ऐसा लगेगा कि आप करंट अफेयर पढ़ के भी नहीं पढ़े हो, इस ये वाली फीलिंग आएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया में फॉलो नहीं किया तो बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही जो है आप हम हमारे साथ जुड़ सकते हो। और तो और आपको बता दें यहाँ पे कि ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने अगर अभी तक विजिट नहीं किया तो example.com विजिट कीजिए और हमारे बाद बेहतरीन एनसीईआरटी की क्लास होती है। इन क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिए, बेसिक आपका जरूर यहाँ पे मजबूत होगा। तो कहीं जाइएगा नहीं, एनसीईआरटी क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और इस क्लास का शेड्यूल ये है जहाँ हम रोजाना 6 बजे आपके साथ मिलते हैं, यानी यहाँ हम आपको करंट अफेयर के क्विज करवाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हो तो ये पूरी आगाज बैच की टीम है। इसके साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो अभी एक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, इस 50 कोड का इस्तेमाल कीजिए। कोई भी कोर्स आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो। तो जैसे कि आपने आज आपने देखा ये पूरा का पूरा शेड्यूल। इसके अलावा आपको एक और चीजें जो हमने आपको कहा था कि दिखाने का, अगर आप चाहते हो कि सर हम चाहते हैं देखो यहाँ पे ये देखो यूपीपीसीएस प्रेप बाय जो है एग्जामपुर, ये जो है 10,000 सब्सक्राइबर आपको दिख रहा होगा। इसी चैनल की बात कर रहे हैं। यहीं पे हमारी करंट अफेयर की क्लासेस होती है। जब आप यहाँ पे आओगे तो अगर देखो वीडियोस में अगर आपको यहाँ दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वीडियोज में जब आओगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी प्रीवियस वीडियोज है उनके बारे में यहाँ पे है, प्रीवियस वीडियोज के बारे में यहाँ पे। तो जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक दिन पहले, यानी ये कल का होगा। अगर आप यहाँ नहीं दिखा तो आप होम में ही जाके नीचे थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा, लाइव नाउ, और यहाँ पे पास्ट वीडियोस में आपको देखो, पास्ट वीडियोस में आपको यहाँ पे जरूर मिल जाएगा इस जगह पे। यानी आप देख सकते हैं ये जो है 10 घंटे पहले लिया गया, 816 व्यूज है। तो यहाँ के माध्यम से भी आप हमसे करंट अफेयर पढ़ सकते हो। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे हम।